कुछ लोगों ने ना पक्का जेन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज्यादा तंग है। आप यकीन करें बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जैसा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा आज के बाद हमारे घर ना, मेरा दरवाजा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करें ये जुल्म, हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं, हमारे अपने छोटी छोटी जरूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निकट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, वह फलाना है, भले मैंने नहीं साथ चलना। इसहार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इसहार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। ना करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसत दी और हर वक्त आप हाथ तंग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाए, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब है, कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है, हुजूर ने अज़वाजे